हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरुजी ब्लॉग फतेहपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं संगम नगरी यानी प्रयागराज के वो शीर्ष 10 स्थान जहां पर भ्रमण किए बगैर आपका संगम नगरी जाना व्यर्थ है। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहिए और आज हम पूरा टूर कराएंगे आपको। सबसे पहले संगम, संगम यानी त्रिवेणी, तीन नदियों का संगम। इलाहाबाद की पावन सरजमी पर अगर आप जाते हैं और संगम दर्शन नहीं करते तो आपका प्रयागराज जाना व्यर्थ है। तो सबसे पहले जब भी आप जाइए संगम का दर्शन कीजिए। अरे भाई अपने नहीं थे। और दूसरा प्रमुख स्थल है श्री बड़े हनुमान जी मंदिर। पूरे भारतवर्ष में लेटी हुई मुद्रा पर हनुमान जी का यह पहला मंदिर है। कहते हैं संगम स्नान के पश्चात अगर हनुमान जी के यहाँ दर्शन नहीं किए तो आपका दर्शन अधूरा है। और इसके पीछे भी एक बड़ी रोचक कहानी है। फिलहाल आप हनुमान जी के दर्शन कीजिए। तीसरा प्रमुख स्थल है अकबर का किला। यह ऐतिहासिक किला संगम तट पर ही स्थित। और चौथा प्रमुख स्थल है संगम तट पर स्थित अकबर के किले के अंदर स्थित प्राचीन अक्षयवट मंदिर, पातालपुरी मंदिर। इस अक्षयवट का इतिहास 4 युगों से चला आ रहा है। द्वापर से लेकर आज कलयुग तक अक्षयवट अपनी प्राचीनता, अपनी संस्कृति को संजोए हुए अभी भी विराजमान है। तो जब भी जाइए एक साथ 4 स्थलों के यहाँ दर्शन आप जरूर करें। यहाँ से निकलकर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो पांचवा प्रमुख स्थल मिलेगा मनकामेश्वर भगवान का मंदिर। इस मंदिर पर भगवान शिव की स्थापना यानी शिवलिंग की स्थापना राम जी ने की थी। श्री रामचंद्र जी द्वारा पूजित और स्थापित शिवलिंग यहाँ मिलता है। कहा जाता है यहाँ सच्चे मन से मांगी गई सभी मुरादें पूरी होती है। तो जमुना तट पर स्थित मनकामेश्वर भगवान का दर्शन अवश्य करें। और यहीं आपको मिलेगा हावड़ा ब्रिज की तर्ज पर नैनी ब्रिज। और सातवां प्रमुख स्थल है आनंद भवन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का पैतृक आवास, जहाँ पर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ने जन्म लिया। यहाँ गांधी नेहरू परिवार की विरासत को संजोए हुए यह आनंद भवन, जो आज एक संग्रहालय के रूप में विकसित है, जरूर देखिए। यहीं पर आपको नेहरू नक्षत्रशाला भी देखने को मिलेगी। तो आनंद भवन की विजिट जरूर करें। आठवें नंबर का प्रमुख स्थल है भरद्वाज आश्रम। नौवां प्रमुख स्थल चंद्रशेखर आजाद पार्क एवं संग्रहालय, जरूर देखें। इलाहाबाद में पंचकोशी परिक्रमा करने के पश्चात अब आप अंतिम दर्शन करेंगे पंडिला महादेव मंदिर के। अज्ञातवास के दरमियान पांडवों ने यहां पर शिवलिंग की स्थापना की थी। इस मंदिर का विशेष महत्व है। सावन में यहाँ हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु
आते हैं और निशान चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, इलाहाबाद ब्लॉक की ये सीरीज आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।